हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज बात हो रही है कि सिंगापुर की सिटीजनशिप कैसे पाई जाए, तो उसके लिए उनकी क्या क्या शर्तें हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगी और अंत में आपको कैसे ये सिटीजनशिप मिलने वाली है, इसकी पूरी एक जर्नी ही मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप पूरा एक प्रोसीजर जो है वो समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या है, सिंगापुर के अंदर मोस्ट ऑफ लोगों को परमानेंट रेसिडेंटशिप जो है वो पहले पानी पड़ती है और उसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप सिटीज़न बन गए फिर आपको जो है वो सिंगापुर का पासपोर्ट लेने का पूरा अधिकार मिल जाता है, और सिंगापुर का पासपोर्ट पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट को लेने के बाद आप 180 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा आपको मिल सकती है। तो ये दो जो है वो बहुत बड़े इसके हम कहें कि अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं या बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसका कुछ एक ड्रॉबैक भी है, और ड्रॉबैक ये है कि सिंगापुर जो है वो यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है और आपको अपने कंट्री की सिटीजनशिप जो है वो रिनाउंस करनी पड़ेगी अगर सिंगापुर की चाहिए तो। खैर, हम इंडियंस के लिए तो वैसे भी कोई भी कंट्री अगर ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ भी करती है तो भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, जिसकी वजह से आप दुनिया में किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप ले ले, आपको फिर इंडिया की सिटीजनशिप रेनाउंस करनी पड़ेगी, यानी कि गिव अप करनी पड़ेगी। तो अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि कैसे प्रोसीजर होती है। अब इसके जो इन्होंने प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया रखे हैं, उनमें से पहला क्राइटेरिया कि आप कम से कम 21 साल या उससे ज़्यादा उम्र वाले होने चाहिए। अगर आप इस 21 साल से कम उम्र के हैं तो आपको आपकी लीगल गार्डियन या पेरेंट के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगापुर के अंदर ऑफिशियल अडल्ट एज जो है वो 21 है। उसके नीचे के सारे व्यक्तियों को वहाँ पर माइनर समझा जाता है। जो व्यक्ति 21 साल की या उससे ज़्यादा की है उसके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप का जो स्टेटस है वो कम से कम 2 साल तक होना चाहिए और उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली परमानेंट रेसिडेंटशिप पाने के लिए भी आपको कुछ साल सिंगापुर में बिताने पड़ेंगे, उसके बाद आप परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक 5-6 साल का ये पूरा टाइम स्पैन हो ही जाता है। इसके अलावा मैरिज की बात करें तो भी उनको कम से कम 2 साल तक परमानेंट रेसिडेंटशिप पहले होल्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनको पीआर स्टेटस मिल चुका है जब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको जो है वो क्राइटेरिया ये रहेगा कि टोटल 3 साल तक की उनको सिंगापुर के अंदर की रेसिडेंटशिप प्रूव करनी पड़ेगी कि वो 3 साल तक यही पढ़ रहे हैं। नेशनल लेवल की कोई एक एग्ज़ाम उनको पास करनी पड़ेगी, उनमें से एक है PSLE या GEC, पढ़ाई जो है वो उन्होंने की हुई होनी चाहिए, या उन्होंने अगर IP यानी कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है तो वो भी चल सकता है। ये भी देखा जाएगा कि आप यहाँ के लॉ को पूरी तरीके से अबाइड करते हैं या नहीं, यानी कि सिंगापुर के सारे कायदे कानूनों को आप मानते हैं या नहीं, ये ज़रूर देखा जाएगा। इसके अलावा सिंगापुर के अंदर आपकी सोशल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है ये ज़रूर चेक किया जाएगा। तो ये इसलिए चेक करते हैं कि वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि एक बार आपको सिटीजनशिप मिल गई उसके बाद आप सिंगापुर में ही रहना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उसकी भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। सबसे पहली बात तो आपका एग्जिस्टिंग पासपोर्ट, इसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर डिवोर्सी है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट, इसके अलावा सिंगापुर का PR कार्ड और PR सर्टिफिकेट, PR यानी कि परमानेंट रेसिडेंटशिप कार्ड और सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके हाई स्कूल के और उसके अबाव जो भी आपको मिले हैं वो सारे आपको वहां पर देने होंगे। इसके अलावा फॉरेन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, यानी कि आप मूल तौर पर कौन से देश के नागरिक हैं, उसका एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयर,
यानी कि आपके पास एक स्टेबल जॉब है, इसका सर्टिफिकेट या आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आप लाएंगे तो भी चल सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स नोटिस ऑफ असेसमेंट फॉर 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि पिछले 3 साल में आपने जो भी कोई इनकम टैक्स भरे हैं उन सभी की रसीद दिखानी पड़ेगी। और जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको अपनी पे स्लिप्स दिखानी पड़ेगी और CPF कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो भी दिखाने पड़ेंगे पिछले 1 साल के। अगर आप कोई बिजनेस ओनर हैं तो आपको ACRA बिजनेस प्रोफाइल जो है वो दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है सिंगापुर के अंदर तो आपको उसके प्रूफ ऑफ परचेस भी दिखाने पड़ेंगे और हो सकता है कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़े। अब आते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर के ऊपर कि कैसे ये एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट की जाती है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है ICAE सर्विस से। तो ये इनकी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर के आपको सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा और इसी के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर एक डॉक्यूमेंट का साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और इसका आउटकम जो है वो आने में भी 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लग जाता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि भले ही 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, आपके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप फिर भी रहती है। तो ये एक अच्छा लॉ है उनका कि जब तक आपके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप नहीं होती है तब तक आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो है वो यहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्ट होती है, उसके अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा अगर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुआ है तो। ओथ ऑफ रिनाउंसिएशन एलिजेंस एंड लॉयल्टी, ये उस पूरे सेरेमनी का नाम है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओरल। इसके बाद आखिरी में, सबसे आखिर में स्टेज आती है आपकी सिंगापुर सिटीजनशिप सेरेमनी। तो ये एक कंपलसरी सेरेमनी होती है जिसको आपको अटेंड करना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको 2 डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, जो ICA से लेटर्स आपने रिसीव किए हैं वो, और आपका टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड जो आपको ये एप्लीकेशन जो है वो आपका अप्रूव होने के बाद मिलता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे। तो जनरली ये जो पूरी सेरेमनी होती है वो आपके नियरेस्ट कम्युनिटी सेंटर जो होते हैं वहाँ पर कंडक्ट की जाती है और जो भी कोई नए सिटीजन्स होते हैं उन सभी को वहाँ पर बुलाया जाता है। और एक बार ये पूरी सेरेमनी ख़त्म हो जाए फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके पास सब कुछ आ चुका है। अब आप बिल्कुल जो है वो बिना किसी डाउट के, बिना किसी चिंता के सिंगापुर के अंदर रह सकते हैं एज अ ऑफिशियल सिटीज़न। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि सिटीजनशिप कैसे पाई जाए सिंगापुर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।